हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टेटनस। ठीक है, तो टेटनस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टेटनस का नाम तुम लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा, जिसमें हम लोग को शायद थोड़ा बहुत पता भी हो कि किससे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक, उसी के बारे में पढ़ेंगे और मैं अपने नोट्स से डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। टेटनस जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक्यूट है। ठीक है, ये क्रोनिक नहीं है, एक्यूट है। और किसकी वजह से होता है, कौन सी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज, तो कौन सी बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस से। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करती है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, नॉन कंटाजियस है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है डिजीज़, लाइक मतलब अदर रेस्पिरेटरी डिजीज थी या फिर कोई अदर डिजीज जो कि मतलब छींकने खांसने से वो डिजीज मतलब फैलती थी, लेकिन ये जो है नॉन कंटाजियस है, ये मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं स्प्रेड होती है। ये किसकी वजह से होता है, टेटनाई का जो स्पोर रहता है, क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है इसमें, उसकी जो स्पोर रहता है वो एवरीवेयर, कहीं भी सॉइल में, एस में, इंटेस्टाइनल ट्रैक का फीसेज वगैरह में, एनिमल ह्यूमन का फीसेज में, ये कहीं भी स्पोर्स के रूप में बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और जब वहीं पे हमारा कोई वुंड होता है, कट होता है, तो फिर वुंड के जरिए ये हमारे बॉडी में जाता है और बॉडी में जाकर फिर ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, जो कि एनरोबिक है, ये ध्यान रखना, मैं बताऊंगी कि इससे इससे क्या हमारे बॉडी में होता है। तो एनरोबिक होता है, मोटाइल होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। ठीक है, ये हमारे एनिमल फीसेस से ज़्यादा तो ये होती है, एनिमल फीसेस से। इपिडेमोलॉजी इसकी क्या है, इसकी इपिडेमोलॉजी देखते हैं। तो ये प्रिवेंट एवरीवेयर, ये सब जगह प्रिवेंट रहता है। ए पर्सन हु इज़ अनइम्यूनाइज्ड, किस में होता है, जो पर्सन अनवैक्सीनेटेड है, उसकी इम्यून सिस्टम लो है, तो उसमें बहुत इजीली ये हो जाता है। ठीक है, कहीं भी ऊन लगा, अगर डस्ट एसिड वगैरह से टच हो रहा है, वहाँ पे अगर स्पोर है, तो ये बहुत इजीली बॉडी में हो जाता है, टेटनस हो जाता है। ठीक है, इंटायरली प्रिवेंटेबल, ये बहुत अच्छे तरीके से इसे बचाया जा सकता है, कंप्लीट रूप में इसे प्रिवेंट किया जा सकता है जब हमारी बॉडी फुली इम्यूनाइज रहेगी। ठीक है, मोर प्रिवलेंट होती है, ये मोर प्रिवलेंट किस में रहेगी, अभी मैंने बताया कि एक एसिड में हो सकती है, सॉइल में हो सकती है, डस्ट में हो सकती है स्पोर, तो वैसा व्यक्ति जो इन एरिया में काम करता हो, जो मिट्टी से रिलेटेड काम करता हो, जो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे पर्सन को बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एग्रीकल्चर वर्कर को ये बहुत इजीली होता है। स्पोर्ट्स कैन सर्वाइव वेरी ईयर, ये इसका स्पोर्ट्स जो है बहुत लंबे समय तक सर्वाइव रहता है, ये जीवित रहता है सॉइल्स वगैरह में, और वहीं इल इफेक्ट करता है। ठीक है, ये इसका एपिडेमियोलॉजी था। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स इसका क्या क्या है, तो इसका देखिए कि ये जब हमारे बॉडी में इंटर करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अनअवेलेबल है, अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एनएरोबिक है, एनएरोबिक है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन वहाँ पे अनअवेलेबल रहेगा, तो बहुत इजीली हमारे बॉडी में ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे कि अगर कहीं कट लगा तो उसको कवर नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको दबा के कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन अनअवेलेबल होगा, अगर एनएरोबिक बैक्टीरिया रहा तो इजीली ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अनअवेलेबल है जहाँ पे कट हुआ है और उसके थ्रू अगर एंट्री हो रही है उस बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे वो क्या करेगा कि इजीली ग्रोथ करना शुरू कर देगा, उसका मल्टीप्लिकेशन और जनरेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिन का जनरेशन होने लगा, ये एक प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, वो टॉक्सिन, टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन होती है, टेटैनो अस्पार्टिज्म, ठीक है, और टेटैनोलाइसिन, और ये वाला जो है फिर ये न्यूरोटॉक्सिन में चेंज होता है हमारे बॉडी में, फिर वो जाके न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज में क्या होती है कि मसल्स लॉक हो जाती है, इसमें मसल्स डिजीज हो जाती है, मतलब मसल हमारे स्पाज्म हो जाएंगे, स्टिफनेस इन मसल्स आ जाएगी। ठीक है, मसल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है ये। इसका रिस्क फैक्टर कोई क्या है, किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसका कोई प्रॉपर एज, 5 से 40 साल के एज में भी हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी में जिसकी इम्यूनिटी लो, फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, जब उसकी इम्यूनिटी, कोई भी पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी लो हो, तो वो बहुत ईजिली हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकती है।
ठीक है, ये ज़्यादातर मेल में होता है देन फीमेल। मेल में क्यों? क्योंकि मेल आउट ऑफ द एरिया, मतलब ज़्यादा काम आउट ऑफ द होम, घर से ज़्यादा टाइम बाहर रहते हैं और वो ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन में इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम कर रहा हो या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहा हो उनमें ज़्यादा होता है। इम्यूनिटी अनइम्यूनाइज पर्सन है तो उसमें भी ज़्यादा होगा ये। ठीक है, इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर इसका देखते हैं। तो अगर अनहाइजीनिक है, ठीक है, वो जो एरिया अनहाइजीन है, वहाँ पे कोई भी हाइजीन रिलेटेड कोई भी खास ध्यान नहीं रखा जाता है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये बीमारी हो सकती है। वैसा एरिया जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस बहुत ही कम हो, मतलब गांव वाले एरिया, विलेज वाले एरिया जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस ना हो, मान लेते हैं किसी को कट लगी, कोई वहाँ पे लेके कुछ भी रगड़ देता है, कुछ भी धूल मिट्टी लग जाती है, वहाँ पे ध्यान नहीं देता है। अगर वहीं प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत अच्छे तरीके से हो तो वो कट लगने के बाद उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो वहाँ जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अच्छे से। अगर वैक्सीन की ज़रूरत है, टेटनस की वैक्सीन लगती है, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर की कमी है तो उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा चांसेज है कि टेटनस जैसी बीमारी हो सके। इन्फेक्शन इग्नोरेंस, लोग ध्यान नहीं देते, कहीं भी कट लगता है तो लोग ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो कट लग गया, मिट्टी में लग गया, कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसको हमें ध्यान देनी होती है, उसको इग्नोर नहीं करना होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कि मेन चीज़ इसमें ध्यान रखें, नो ऊंड नो इन्फेक्शन। ठीक है, टेटनस का यही चीज़, अगर आपको कहीं भी ऊंड हो ही नहीं रहा और वो, तो कोई चांस है इन्फेक्शन का। अगर इसमें किसी भी तरीके से ऊंड होता है और वो डस्ट या फिर किसी सॉइल या फिर कहीं ऐसा जगह से टच कर रहा है जहाँ पे स्पोर्ट्स उसका हो, तो ये फिर इन्फेक्शन हो सकती है बॉडी में। तो इसका मेन चीज़ है नो ऊंड नो इन्फेक्शन। ठीक है, अगर पिन प्रिंक भी हो रहा है, ठीक है, कहीं भी पिन चुभ रहा है तो भी हो सकता है, स्किन एबर्सन्स हो रही है तो भी हो सकता है, पंक्चर ऊंड है, बर्न्स है, ह्यूमन बाइट्स है, ठीक है, एनिमल बाइट्स है, स्टिंग्स है, यूटेंसिल्स, सर्जरी या फिर ऐसे अगर सर्जरी हम कर रहे हैं, अगर वो सर्जरी करते वक्त जो भी हम आर्टिकल्स यूज करते हैं वो आर्टिकल्स प्रॉपर स्टरलाइज ना हो, उस पर डस्ट वगैरह हो, तो भी वो ये ऊंड हो सकती है। ये ऊंड के थ्रू मतलब सर्जरी के थ्रू हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जा सकता है और इन्फेक्शन हो सकती है। बॉल सर्जरी या फिर डेंटल एक्सट्रैक्शन हो रही है तो इन्फेक्शन, यूटेंसिल्स डिवीजन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, हम लोग जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसका भी ध्यान रखना होता है, वहाँ से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है तो हो सकता है, क्रोनिक स्किन अल्सर या फिर आई इरिटेशन हो रही है तो भी हो सकता है, यानी ये बॉडी के किसी भी पार्ट से हमारे बॉडी में जा सकता है ये बैक्टीरिया, अगर ऊंड है तो। अगर ऊंड नहीं है तो ये इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। इसका साइन एंड सिम्टम्स है, हेडेक होगी, इरिटेशन होगी, रेस्टलेसनेस मतलब ठीक है थकान जैसा महसूस होगा, नेक स्टिफनेस हो जाएगी, जॉ लॉक्ड हो जाएगा, इसमें लॉकिंग ऑफ जॉ होती है, ध्यान रखना। ठीक है, डिस्फेजिया मतलब स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी के मसल्स को ये क्या करता है, स्टिफ कर देता है, मतलब मसल स्पाज्म कर देता है। हो सकता है कि हमारे लंग्स के मसल्स को स्पाज्म कर दे, या फिर हम जब स्वेलिंग कर रहे हैं तो स्वेलिंग करते वक्त हमारे जो फेरिंग्स वगैरह वहाँ की मसल्स को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, स्पाज्म कर सकता है, स्टिफनेस कर सकता है। तो हमें जो भी हम स्वेलो करते हैं, खाना निगलने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी मसल्स को भी ये डैमेज कर रहा है। ठीक है, एब्डोमिनल लंबर एंड हिप मसल्स इन्वॉल्व, इसमें एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, लंबर मसल्स भी, हिप मसल्स भी। ठीक है, ये सबसे मेन यूनिक फीचर है इसका, यूनिक साइन एंड सिम्टम्स पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है हमारा बो लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इस तरह से बो लाइक स्ट्रक्चर हमारा बॉडी। ठीक है, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, मसल्स स्पाज्म हो जाता है जिसे हाइपोटोनिया बोलते हैं, मसल्स स्पाज्म हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी मसल्स में। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी मेनली क्लिनिकल फीचर है, डायग्नोस्टिक, प्रॉपर हिस्ट्री और इम्यूनाइजेशन स्टेटस, हम उस पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे इम्यूनाइजेशन स्टेटस को देखेंगे। ये क्या होता है कि 1/3 केसेज में जब हम इसके ऊंड से ही पता लगा लेते हैं, अगर कहीं पर ऊंड है तो हम वहीं का कल्चरिंग वगैरह करके हम पता लगा लेते हैं कि उसमें क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है या नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेज में इसी तक पता लग जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, एस्फेजिया हो जाएगी, यानी हमारे स्वेलिंग जब हम करते हैं तो हमारा स्वेलअप ही नहीं हो पाएगा, यानी वहाँ के मसल्स को इसने स्पाज्म कर दिया है।
ठीक है, निमोनिया हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है, ठीक है, कार रेस्पायरेटरी स्ट्रेस यानी हमारे जो रेस्पायरेटरी मसल्स है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, उसमें स्पाज्म आ जाएगा, ठीक है, ये हमारी वाइटल्स ऑर्गन के मसल्स को भी ये डैमेज करता है, ठीक है, वो उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है, कार्डियक फेलियर हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, वर्टिब्री फ्रैक्चर हो सकता है, वर्टिब्री फ्रैक्चर कब होगा, जब ये बो लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो बो लाइक स्ट्रक्चर में हमारा वर्टिब्री फ्रैक्चर कर सकते हैं, इवन हमारा जो बैकबोन है वो भी फ्रैक्चर करने की चांसेस रहती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वाला शेप बन जाता है बो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लेसरेशन ऑफ टंग लिप्स एंड बकल म्यूकोसा, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसकी ट्रीटमेंट इसमें पेनिसिलिन को दी जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स है, तो पेनिसिलिन देते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं, वैसी डाइट देते हैं जिसमें मसल्स स्पाज्म को थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है, फ्लूड इंटेक ज़्यादा देंगे, सपोर्टिव केयर, मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स मसल्स को भी ये डैमेज करता है, उसको भी स्पाज्म कर देता है लंग्स मसल्स को, ठीक है। मेडिकल प्रोसीजर में ट्रेकियोस्टोमी देना पड़ सकता है उसकी प्रॉपर ब्रीदिंग वगैरह के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनहेल्दी, अगर वुंड हो रखा है बहुत तो वहाँ से अनहेल्दी टिश्यू डेब्रिज वगैरह को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन इसमें करता है TTCV लगता है, ठीक है, टेटनस टेक्सवाइड कंटेनिंग वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम याद रखना TTCV, ठीक है, टेटनस में लगता है, टेटनस टॉक्सवाइड कंटेनिंग वैक्सीन, गुड वुंड केयर, मतलब हमें जो भी वुंड हुआ है उसको प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये नोट्स टेटनस का कैसा लगा, ये प्रॉपर एग्ज़ाम बेस्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बेस्ड है, इससे ज़्यादा तो आप एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है टेटनस से रिलेटेड, तो आपको अगर ये नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।